हेलो दोस्तों, ज्ञान दर्शन वन अवसाद यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको अपने ज्ञान दर्शन वन अवसाद यूट्यूब चैनल के माध्यम से आक मदार के औषधीय गुण और उपयोग के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। तो जानिए इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आक अथवा मदार का उपयोग आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी सभी में किया जाता है। यह एक मृद उपविष है जिसका उपयोग आयुर्वेद में कई असाध्य रोगों में किया जाता है। दोस्तों, जानिए क्या है आग मदार के औषधीय गुण और उपयोग। मदार अथवा आग का पौधा 120 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। हिमालय के बर्फीले ठंडे क्षेत्रों को छोड़कर लगभग यह हमारे पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। इसका इंग्लिश नेम कोलोफ्लावर है और बोटैनिकल नेम कैलोट्रोपिस जायजेंटिया है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। अर्क, आकड़ा, अकुआ, मदार, आँख, अकवन आदि नामों से जाना जाता है। औषधीय उपयोग केवल सफ़ेद आँख का ही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, इसकी कई प्रजातियां होती हैं जिनके फूल सफ़ेद, नीले, हल्के जामुनी रहते हैं। नीली प्रगत अथवा नीली प्रगत का पौधा अधिक विषैला होता है। इसका उपयोग खाने में नहीं किया जाना चाहिए, केवल वाह्य प्रयोग किया जाता है। मित्रों, रोज़ आक के 5 फूल खाने से संग्रहणी रोग शांत हो जाता है, पाचन ठीक हो जाता है, पेट का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। मार्च से अप्रैल महीने में दोस्तों इसके फूल आते हैं और 1 माह तक इन्हें उपयोग कीजिए। सफ़ेद आक के फूलों का फायदा पूरे साल पाएंगे। बवासीर में सूर्योदय से पहले सफ़ेद आक के दूध को 3 बूंद बतासे में भरकर खाने से बवासीर रोग ठीक हो जाता है। मित्रों, माइग्रेन की समस्या में जैसे आधा सीसी दर्द होता है, उस आधा सीसी दर्द के लिए सूर्योदय के साथ साथ ये घटता बढ़ता रहता है, तो इसका दूध और बतासा 2 बूंद दूध बतासे में भरकर खाने से माइग्रेन आधा सीसी का दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, घंटाकरण में मदार का दूध और गुड़ दोनों को समान मात्रा में मिलाकर घंटाकरण पर लगाने से घंटा रोग ठीक हो जाता है। पेट दर्द में आंकड़े की जड़ की छाल, नौशादर और काली मिर्च, गेरू समान मात्रा में लें और 1-1 चम्मच लेकर पीस लें। आधा चम्मच कपूर पीस लें और इसको पानी से आधा चम्मच ले लें। पेट दर्द, कब्ज, दस्त, तिल्ली, एकरद आज पेट के सभी रोग और बुखार में भी लाभ होता है। दमा खांसी में आंकड़े के 4 पत्ते, 8 चम्मच काली मिर्च दोनों को एक साथ बारीक पीस लें। मटर के दाने के बराबर की गोलियां बना लें और 10 दिन तक इसकी 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम गर्म पानी से लें। दमा खांसी हिस्टीरिया में लाभ होगा। आंकड़े का 1 पत्ता, 25 काली मिर्च एक साथ पीसकर काली मिर्च के बराबर की गोलियां बना लें और यह गोलियां जो है 2 गोली सुबह, 7 गोली सुबह शाम खाएं। 2 गोली बच्चों को देने से श्वास रोग नष्ट हो जाता है, श्वास में बहुत ही फायदेमंद है। पुरुष इसकी 7 गोलियां सुबह, 7 गोलियां शाम खाएं। मित्रों, सेके हुए जौ का आधा कप आंकड़े का दूध में 15 दिन तक भिगो दें। आधा कप सेके हुए जौ, जो भुने हुए जौ होते हैं, उनको आंकड़े के दूध में 15 दिनों तक भिगो दें। आधा चम्मच आंकड़े का दूध लें और उसको भिगो दें। इसके बाद सुखा कर पीस लें। इसमें 1/4 चम्मच मतलब शहद मिलाकर चाटें। 1/4 चम्मच के बराबर इस गेहूं के जो जौ का आटा है उसको लें और शहद मिलाकर चाटें। दमा में लाभ होगा। आंकड़े का पत्ता छोटे टुकड़ा ले लें और पान में रखकर खाने से 40 दिनों तक खाएं। हर प्रकार की खांसी, दमा, श्वास ठीक हो जाएगा। मित्रों, क्षय रोग यानी टीबी में आंकड़े का दूध 4 चम्मच और 200 ग्राम हल्दी मिलाकर पीस लें। जब पीसते पीसते हल्दी सूख जाए तो उस पाउडर को बंद शीशी में रख लें। यह पाउडर 1 चने के बराबर आधा चम्मच शहद में मिलाकर चाटें। रोज 4 बार चाटें। टीबी रोग 3 माह
में ही ठीक हो जाएगी। इसका प्रयोग 3 माह तक करें। टीबी रोग में जो फेफड़े से खून आता है, खून की उल्टी होती है, वह भी ठीक हो जाएगा। मित्रों, बुखार में आंकड़े के कपोलें, जो आखिरी में छोटी छोटी कपोलें होती हैं, नम पत्ता होता है, और नगर बेल यानी पान में रखकर थोड़ी सौंफ डालकर चबाएं। इससे हर प्रकार का बुखार, वायरल, सामान्य बुखार, और एक बार में ही चबाने से ठीक हो जाएगा। मलेरिया में आंकड़े के फूल की कली थोड़ा सा गुड़ लपेट कर खाने से मलेरिया ठीक हो जाती है। जो फूल खिले यानी खिले न हो, कली हो, उसको जो है खाएं, मलेरिया रोग ठीक हो जाएगा। बलतोड़ में, बलतोड़ हो जाता है जिसे, उसे आग का पत्ता गर्म करके बांधने से बलतोड़ ठीक हो जाता है। जुखाम में तो मदार का दूध 2 चम्मच और 2 चम्मच चावल में भिगो दें, और जब वह भीग जाए तो उनको छाया में सुखा लें। सुखाने के बाद बारीक चूड़ बना लें और नास लें यानी नाक में सूंघें। सूंघने से ही जुखाम ठीक हो जाता है। जोड़ों के दर्द में 1 मुट्ठी आंकड़े के फूल 2 गिलास पानी में रात को उबालें और इसकी भाप जोड़ों पर लगाएं, जोड़ों को सेक करें और जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। पथरी रोग में मदार के 10 फूल पीसकर और 1 गिलास दूध में प्रतिदिन सुबह शाम पीने से 40 दिनों तक प्रयोग करें। गुर्दे की पथरी गलकर निकल जाएगी, मूत्राशय की पथरी निकल जाएगी। मित्रों, इसका प्रयोग करने से पहले आप किसी आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह अनुसार ही करें। मित्रों, अधिक मात्रा में यह नुकसानदेह है। इसका दूध किसी भी प्रकार से आँख में ना जाने पाए, आँख के लिए इसका दूध दुश्मन है, बहुत नुकसानदेह है। मित्रों, आज हमने आपको आंकड़े, आँख, मदार, अर्क, अकौवा के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक बनती है, एक लाइक करें। आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करेगा। तो दोस्तों, एक लाइक अवश्य करें। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पुश करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियोस आपको मिले। तो दोस्तों, आज हमने आपको इस औषधीय दिव्य औषधीय पौधे के बारे में जानकारी दी है। इसका बहुत प्रकार से प्रयोग किया जाता है। हम अपने ज्ञान दर्शन वन औषध में बहुत प्रकार से प्रयोग आक, अर्क, अकौवा, मदार के बारे में जानकारी दी है। हमारे सारे वीडियोज आप देखें और लाभ उठाएं। मित्रों, आज के वीडियो में मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।